हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सीरीज के बारे में डिस्कशन है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके आप वो वीडियोस देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर भी अगर आप नए आए हो तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर क्या प्रोसीजर्स है, क्या सिस्टम्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि कंपनी का नाम कैसे रखा जाता है। तो दोस्तों, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उसका नाम, हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम डिफरेंट होता है। दो कंपनियों का नाम एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का नाम जो है वो होता है CJ Services Private Limited, CJ से मेरा मतलब है C अल्फाबेट और J अल्फाबेट, Services Private Limited, अगर ये एक कंपनी का नाम है, ओके, तो जो दूसरी कंपनी है ना उसका नाम CEE स्पेस JEE Services Private Limited, ये नहीं हो सकता। इसको बोला जाता है फोनेटिकली सिमिलर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम चेक करवाना चाहते हो या बुक करवाना चाहते हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है 9029093494। जी हाँ, 9029093494 आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी मदद करूंगा आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के देने में। तो दोस्तों, आइए हम अभी बताते हैं आपको कि कैसे हम नेम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है MCA की वेबसाइट पे, mca.gov.in, ये एक सरकारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके, MCA सर्विसेज पे जाके आप चेक कर सकते हो आपकी कंपनी का नाम। तो हम अभी चेक कर रहे हैं CEE JEE और देखते हैं कि हमें क्या नाम मिलता है। तो हमें सिर्फ एक ही नाम मिल रहा है यहाँ पे, CEE JEE रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड। तो जब ये नाम है तो हम, जब रिफाइनरीज है तो हम कोई और नाम ले सकते हैं। जैसे अब समझ लीजिए, हमें नाम चाहिए आकांक्षा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ओके। तो हम अभी चेक करते हैं कि आकांक्षा सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं। AKANSHA आकांक्षा। अब सर्विसेज हम नीचे करेंगे, अगर आप देखोगे तो नीचे के एक्टिविटी टाइप, तो वहां पे आप सर्विस ही लिखो, सर्विसेज मत लिखो। क्यों बताएं, अगर किसी का सर्विस है और हम सर्विसेज लिखेंगे तो वो दिखेगा नहीं सिस्टम पे, तो फिर वो दिखाएगा कि नेम अवेलेबल है लेकिन असल में वो अवेलेबल नहीं है। तो अब हम सर्च कर रहे हैं तो हमने देखा, देखो आकांक्षा एविएशन सर्विसेज आ गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज आ गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज आ गया, ऐसे नाम आ गए, ओके। तो हम को सिर्फ आकांक्षा सर्विसेज नहीं मिलेगा, तो हमें फिर ये करना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं एग्जैक्टली वो नाम वैसा सोचना पड़ेगा। जैसे हम अगर टेक्नोलॉजी है तो आकांक्षा टेक्नोलॉजी सर्विसेज डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, तो मुझे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आकांक्षा इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो वो लोग क्या करेंगे बताए, आकांक्षा के आगे एक ए लगा देंगे और फिर बोलेंगे नहीं हमको तो ये नाम मिलना चाहिए। तो दोस्त, आपसे ज्यादा स्मार्ट ऑफिसर है और उनका सिस्टम है, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए आप अपने पैसे वेस्ट मत करना। जैसे अगर आपको ऊपर वाला ना करे, बीमारी होती है तो क्या सही है कि अपनी मर्जी से कोई भी दवाई खा लेना या डॉक्टर के पास जाना? सही बात है, डॉक्टर के पास जाना। वैसे अगर आपको नेम नहीं मिल रहा है तो आप एक्सपर्ट से पूछिए, मैं तो फ्री में बता रहा हूँ ना आपको जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ चिंता है तो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट करो मुझे, मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर आपको नेम में कुछ समस्या आ रही है। तो इस तरीके से आपको सोच समझ के नाम रखना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते थे पता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते थे कि जैसे अभी एक कपड़े धोने का ब्रांड है, मतलब कपड़े जो है ना वो नहीं, बर्तन धोने का ब्रांड, ओके, तो बर्तन का कत्थे का ब्रांड, तो कत्थे का ब्रांड था कुछ ब्राइट स्क्रबर, ओके। तो इन्होंने क्या किया, ब्राइट स्क्रब, इनको भी ब्राइट स्क्रबर्स के नाम से माल बेचना है। तो इन्होंने जब ब्राइट स्क्रबर के नाम से माल बेचना शुरू किया तो जो उसका मालिक था ट्रेडमार्क का, उसने इनको नोटिस इशू किया। तो ये लोग स्मार्ट बन के जाके प्राइवेट लिमिटेड बना लिया, ब्राइट स्क्रबर, ब्राइट स्क्रबर कत्था प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
तो वो बोलने लगे हम तो प्राइवेट लिमिटेड हमको मिला है तो हम उसका नाम लिख रहे, आपका नाम थोड़ी लिख रहे। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। तो रजिस्ट्रार जो है उन्होंने क्या किया पता है, अब बोले कि अगर अभी आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम प्रपोज कर रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, तो वो ट्रेडमार्क में भी चेक होगा कि अगर उस नाम से कोई ट्रेडमार्क है तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे अभी आकांक्षा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अगर अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो वो क्लास 35 में आता है ट्रेडमार्क की। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप खुद ट्रेडमार्क में भी चेक कर लो, ठीक है, ए के ए एन एस एच ए आकांक्षा क्लास 35, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्लास 35 में आकांक्षा के दो ट्रेडमार्क है, एक रजिस्टर्ड है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये क्या करते काम, तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो लोग अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझते थे कि ट्रेडमार्क में एक तरीके से बैटल चल रही है, जंग चल रही है दो लोगों के बीच में एक ट्रेडमार्क लेने की। तो एक स्मार्ट बंदा आके उस पर कंपनी रजिस्टर कर लेता था। तो अब ऐसा है कि आपको अगर कंपनी रजिस्टर करवाना है और वो किसी और का ट्रेडमार्क है तो आप वो नहीं कर सकते, ये चीज भी आई है। तो कंपनी का नेम मिलना इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया अच्छे नाम मिलना, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 में आई थी और आज हम 2022 में, तो अक्सर बहुत अच्छे नाम ऑलरेडी बुक्ड है और वो मिलना आसान नहीं है। फिर भी नाम मिल सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। अगर आप जो है वो कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हो, कंपनी का अच्छे से नाम रजिस्टर करवाना चाहते हो, आपको इस बारे में कोई भी समस्या है तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है समीर, मैं आपकी मदद करूंगा आपका कंपनी का नेम रजिस्टर करके देने में। अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें मैं आपको कंपनी का नेम कैसे अप्लाई करते हैं वो करके दिखाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो के लिए इंतजार करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।